अगर आप भी अपने नाबालिग बच्चों को दुपहिया वाहन चलाने के लिए देते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शहर में नाबालिग किशोरों को दुपहिया वाहन धड़ल्ले से दौड़ाते हुए देखा जा सकता है। विशेष रूप से महाविद्यालयों, शालाओं और कोचिंग क्लासेस में जाने वाले नाबालिग छात्रों का इसमें अधिक समावेश है। बगैर लाइसेंस ये नाबालिग दुपहिया वाहनों को चलाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ये बात बाइक सवार और रास्ते से गुजरने वाले अन्य लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मंगलवार को बगैर लाइसेंस के वाहन चलाने वाले 8 किशोरों की बाइक शहर यातायात नियंत्रण शाखा विभाग ने डिटेन कर उनके अभिभावकों को कार्यालय में बुलाया था। यातायात पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल ने किशोरों के अभिभावकों को प्रबोधन कर उन्हें समझाया कि नाबालिग बच्चों के हाथों में तथा जिनके पास वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है, ऐसे लड़के लड़कियों को दुपहिया वाहन चलाने के लिए न दे। ये नियमों का उल्लंघन होने की वजह से उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है और ये उनके लिए भी खतरनाक है। 8 वाहनों पर पुलिस ने कुल कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपए का जुर्माना ठोका है और इसे वसूल कर शासन में जमा किया गया है। इसके अलावा अगर नाबालिग वाहन चालक सड़कों पर दिखाई देते हैं तो उनके अभिभावकों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, इसलिए नियमों का पालन कर पुलिस का सहयोग करें, इस तरह की अपील भी की गई है। ट्रैफिक ब्रांच अकोला कडून जे अल्पवयीन मुले असतात, ज्यांचं वय 18 पेक्षा कमी आहे आणि ज्यांच्याकडे चालक परवाना लायसन्स नाही आहे, त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मोहीम ही ट्रॅफिक ब्रँचने हाती घेतलेली आहे। सर्व पालकांना तसेच वाहन चालकांना नम्र आवाहन आहे की ज्या आपल्या पाल्यांकडे लायसन्स नसेल त्यांना कुठलीही गाडी, कुठलीही मोपेडसुद्धा आपण चालवायला देऊ नये। ट्रॅफिक ब्रँच सदर वाहन जप्त करेल आणि पालकांवरसुद्धा कायदेशीर कार्यवाही करेल। कायदेशीर कार्यवाही टाळण्यासाठी आपण ज्यांच्याकडे लायसन्स आहे त्यांनाच आपलं वाहन चालवण्यास द्यावं। विना लायसन्सचं वाहन चालवणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे, कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल याची सर्वांनी दक्षता घेणं गरजेचं आहे।